पर छतरपुर से आजादी के अमृत महोत्सव पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर सरगर्मी हुई तेज। जिला न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने के कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की गई। एडवोकेट वरिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुसार कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार पाठक व जिला विधिक सहायता अधिकारी ब्रजेश पटेल के साथ प्रशासनिक अधिकारी आर एस अग्निवंशी एसडीएम छतरपुर यूसी मेहरा छतरपुर एसडीएम नौगांव विनय द्विवेदी महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू कॉलेज पवन कुमार चौरसिया सोनल मिश्रा एसडब्ल्यू महर्षि विद्या मंदिर से आर एल शर्मा के साथ बैठक की गई। वह दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विस्तृत परिचर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर रविकांत सोलंकी एवं सचिव विधि सेवा प्राधिकरण एवं एडीजे अनिल कुमार पाठक मौजूद रहे। छतरपुर से जिला ब्यूरो चीफ सत्यम सिंह की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश में जगह जगह पर प्रशासन द्वारा अमृत महोत्सव के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे नालसा ने जो है 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव मनाने का प्रोग्राम बनाया है। इसके तारतम्य में पहली बार सर्वप्रथम हम लोग 2 अक्टूबर को जिले में एक मुख्यालय और प्रत्येक तहसीलों पर गांधी जयंती में एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे जिसमें सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी और फिर दोपहर में 11 बजे राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती का प्रोग्राम वहां पर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके पश्चात हम लोग जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में गांधी और 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक प्रतिदिन कोई ना कोई प्रोग्राम विधिक साक्षरता शिविर मेगा प्रोग्राम आयोजित किया जाना है। जिले के 5 स्थानों में मेगा शिविर का आयोजन किया जाना है जिसमें से एक नौगांव में है, एक छत बिजावर में, एक राजनगर, एक बड़ा मलहरा और एक बड़ा मलहरा एक छतरपुर ज़िले में। और 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे पर नौगांव के एक गांव में जो है मेगा शिविर का आयोजन किया जाए। इन मेगा शिविरों में जो है जिला प्रशासन द्वारा जितनी भी योजनाएं और लाभ के संबंध में कार्यक्रम जन तक दिए जाते हैं उन कार्यक्रमों के संबंध में स्टॉल लगाए जाएंगे तथा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल या उनकी जो सुविधाएं प्रशासन द्वारा दी जाती है उसके संबंध में दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। जिला अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, इनके संबंध में भी स्टॉल लगाए जाएंगे तथा बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उसके संबंध में लाडली लक्ष्मी योजना या सुकन्या योजना के साथ जो एफडी शासन द्वारा की जाती है उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी और उसका भी फायदा देने और प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ जिससे लोगों को जो ये हमारी कानूनी हमारा उद्देश्य ये है सभी जन तक प्रत्येक गाँव प्रत्येक व्यक्ति तक अंतिम व्यक्ति तक कानून की जानकारी हो जाए जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति शासन द्वारा किए जा रहे योजनाओं के प्रति लाभ के लिए जान सकें और उसका लाभ वो प्राप्त कर सकें और देश और की उन्नति में अपना सहयोग कर सकें। इसलिए ये योजनाएं लागू करके ये शिविरों का आयोजन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।